दोस्तों, माता सीता की धरती के समाने के बाद कैसा रहा भगवान श्री राम का जीवन? दोस्तों, ज्यादातर लोग जानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में श्री राम की मुलाकात अपने पुत्र लव और कुश और पत्नी सीता से हुई थी। लोग यह भी जानते हैं कि कैसे अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद माता सीता ने अपने जीवन का त्याग कर दिया था। राम अपने पुत्रों के साथ अयोध्या लौट आया और महल में उनके लिए एक नया घर बनाया। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि माता सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद भगवान श्री राम के शेष जीवन का क्या हुआ। दोस्तों, भगवान राम के जीवन का अंत कैसे हुआ, इसकी जानकारी वाल्मीकि जी के रामायण में नहीं बल्कि पद्म पुराण में देखने को मिलती है। सीता जी को खो देने के बाद श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या में शासन किया। उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य का कामकाज संभालने के लिए तैयार किया और अपने शासन कार्य के दौरान राम ने अयोध्या के लोगों के लिए कई यज्ञ भी करवाए। अयोध्या की प्रजा सबसे पहले से ही श्री राम को अयोध्या का सबसे अच्छा और आदर्श राजा मानती है। राम का जीवन ऐसे ही चलता रहता है और एक दिन बुद्धिमान ऋषि राजा राम से मिलने आए और उन्होंने एकांत में प्रभु राम से कुछ महत्वपूर्ण बात करने की अनुमति मांगी। राम विनम्रता पूर्वक ऋषि की बातें सुनने के लिए भूमि पर बैठ गए और ऋषि की सलाह के अनुसार राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि वह दरवाजे पर ही रहे और इस महत्वपूर्ण बातचीत के दौरान यदि कोई आता है तो उस अंदर प्रवेश ना दे। राम से मिलने आए ऋषि कोई और नहीं बल्कि समय के रूप में काल देवता थे। काल देवता ने श्री राम को याद दिलाया कि अब उनका पृथ्वी पर समय समाप्त हो गया है और अब उन्हें अपने मूल निवास वैकुंठ में लौट जाना चाहिए। राम और काल देव के बीच में चल रही गोपनीय बात के दौरान महर्षि दुर्वासा का आगमन हो गया। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। महर्षि दुर्वासा ने राम से तत्काल मुलाकात की अनुमति मांगी। लक्ष्मण महर्षि दुर्वासा को स्थिति समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन महर्षि दुर्वासा नहीं मानते। वह लक्ष्मण पर क्रोधित हो जाते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि अगर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया तो वह लक्ष्मण को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण को समझ नहीं आता कि वह भाई के आदेश की अवहेलना करे या श्राप सहे। लक्ष्मण को इस बात का एहसास होता है कि सारी स्थिति उनका अंतिम मार्ग दिखाने का ही संकेत है। वह सरयू नदी में समा जाते हैं और अनंत शेषनाग का रूप ले लेते हैं। राम महाविष्णु के राम अवतार को समाप्त करने की तैयारी में होते हैं तभी उन्हें लक्ष्मण के बारे में पता चलता है। वह भी सरयू नदी में अदृश्य देवों के साथ चलते हैं और इस प्रकार उनका राम अवतार समाप्त हो जाता है। सरयू में सामने तुरंत महाविष्णु अपने मूल रूप में उसी स्थान पर प्रकट हुए जिस स्थान पर लोग पहले से ही इकट्ठा थे। उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया। राम विष्णु और लक्ष्मण आदि शेष हो गए। हालांकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि श्री राम का अंत ऐसे ही हुआ था, फिर भी कुछ लोग इससे अलग राय रखते हैं। पुराणों में इस बात का जिक्र है कि ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मांड के विनाशक के रूप में केवल शिव ही यह काम कर सकते हैं। तार्किक नजरिए से समझा जाए तो श्री राम का अंत भी विष्णु के पहले अवतारों की तरह ही हुआ था। जैसे कि कालिका पुराण में जिक्र है कि अपने कर्तव्य की पूर्ति के बाद भगवान विष्णु का वराह अवतार पारिवारिक संबंधों के मोह माया में फंस गया था। उस स्थिति में वराह ने स्वयं अपना जीवन समाप्त नहीं किया बल्कि देवताओं ने शिव की मदद लेने के लिए कैलाश का रुख किया। देवताओं की विनती के बाद शिव पक्षी बनकर शरभ अवतार लेते हैं और वराह से युद्ध करके विष्णु अवतार को मुक्त करते हैं। इसी तरह भगवान शिव के शरभ अवतार ने नरसिंह अवतार को भी नष्ट किया। भगवान राम ने स्वेच्छा से अपना अस्तित्व त्यागने वाले पहले अवतार थे क्योंकि उन्होंने एक आदर्श पुरुषोत्तम का जीवन जिया था। उन्होंने लोगों के सामने धर्म का एक उदाहरण स्थापित किया था। एक रहस्यमय जानवर के हाथों एक हिंसक मृत्यु इस अवतार के लिए उचित नहीं थी, इसलिए उन्होंने नदी में समाकर इस अवतार को खत्म किया। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।